नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रुकें। स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अखंड और अपार विश्वास व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने आज से 3 वर्ष पहले नई विकास यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। इस विकास यात्रा की 3री वर्षगांठ के अवसर पर मैं राज्य के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वर्षगांठ का यह मौका हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश की एकमात्र जननेता श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता पुनः व्यक्त करें, क्योंकि उनके ही प्रेरणादायी नेतृत्व और ओजस्वी मार्गदर्शन से हम मध्य प्रदेश में कुछ कर सके हैं। इस मौके पर मैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रथम सेवक के रूप में उत्थान के नए शिखरों की ओर ले जाने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए मिलने वाले अपार आत्म सहयोग के लिए अपने प्रदेश के नागरिकों को धन्यवाद भी देता हूँ। यह दोहराने की बात नहीं है, फिर भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिखरी हुई अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न प्रशासन तंत्र की विरासत पाकर हमने आज से 3 वर्ष पहले प्रदेश के नागरिकों से प्राप्त जनादेश के अनुरूप प्रदेश को संभालने, सहेजने और संवारने का काम शुरू किया था। हमारे लिए संतोष की बात है कि हमने पिछले 2 वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान कायम किए और कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल ही नई जमीन खोदी है। इस विषय में हमारे प्रश्न का एक बुनियादी लक्ष्य यह रहा है कि समाज के सभी वर्गों को अभिव्यक्त करने और अपनी सुविधा के अनुकूल उपलब्धि मिल पाने का समान अवसर और साधन मिल सके, और साथ ही यह भी प्रयास रहा है कि विभिन्न वर्गों में कोई टकराव या संघर्ष की स्थिति निर्मित ना हो। किसी हद तक हम यह संतोष कर सकते हैं कि पारस्परिक सद्भाव और विश्वास का ऐसा वातावरण इस प्रदेश में बन सका है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को नए परिवेश में प्रस्तुत कर उसके स्वरूप को और व्यापक बना दिया है। इस कार्यक्रम में नीचे के स्तर के लोगों का सर्वांगीण विकास निहित है। उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ सर्वजन हिताई की भावना से कार्य करने का संदेश भी दिया है। हमने उनकी इस भावना को ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम संचालित किया है। आप सब जानते ही हैं।
कि हमारा प्रदेश अविकसित है, जिसमें हरिजन, आदिवासियों और कमजोर वर्ग की संख्या काफ़ी बड़ी है। इनमें से बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए हमने सबसे कमज़ोर और पिछड़े हुए लोगों की हालत सुधारने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। एक ओर जहां हरिजन आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए चल रहे कार्यक्रमों की नई दिशा और नई गति दी गई है, वहीं दूसरी ओर इन वर्गों के तेजी से विकास के लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। हमें इन योजनाओं का लक्ष्य इन वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के साथ उन्हें शोषण से बचाने और उनमें आत्मनिर्भरता पैदा करना है। हरिजनों के विकास के कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए हमने हरिजन कल्याण संचालन स्थापित भी कर दिया है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।